हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो सीलिंग मशीन की है। ये आप देख सकते हैं सीलिंग मशीन है। पर्पज क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा, बनाने का रीज़न क्या है वीडियो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये सीलिंग मशीन है फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ट्रांसफार्मर जो कि जल चुका है। जलने का रीज़न क्या है, इसके जलने के पीछे कारण क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्यों ऐसा हो जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। और अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये आप जानते हैं एलिमेंट है जो लगा होता है। ये एलिमेंट फ्रेंड्स क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट इससे टच ना हो इसके लिए आप ये जो पेपर है इसको यहाँ पे हमेशा फंसा के रखें थोड़ा सा, या फिर इसी को थोड़ा सा आगे लंबा करके रखें ताकि ये जो एलिमेंट है ये कभी बॉडी से टच ना हो। अगर ये बॉडी से टच हो जाता है तो क्या होता है उस कंडीशन में कि ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे हम मशीन ऐसे करके स्टार्ट करते हैं ना, जब हम मशीन को ऐसे दबाते हैं तो दबाते ही क्या होता है कि एलिमेंट तो ऑन नहीं होता क्योंकि ये यहीं पे शॉर्ट कर जाता है। तो शॉर्ट करने की वजह से, इसके यहाँ शॉर्ट करने की वजह से ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड पड़ता है। ओवरलोड पड़ने के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर फिर आपका बर्न कर जाता है। अब बर्न ना करे इसके लिए क्या करना है, जो बंदा मशीन चला रहा है, इस मशीन को ऑन कर रहा है, चला रहा है, उसको चलाते समय ये देखना है कि जब भी ये मशीन सीलिंग ना करे, जैसे हमने चलाई ऐसे और ये सीलिंग ना करे, तो सीलिंग ना करने पर उसे इसको दवाई नहीं रखना है। दवाई रखेगा तो क्या होगा कि टाइमर आपका ये लगाए, ये वाला अगर काम नहीं करता है, जैसे अगर दबा के रखा है उसने और टाइमर आपका काम कर रहा है तब तो बच जाएगा कि भाई कट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि टाइमर डायरेक्ट रहता है, ये वाला टाइमर काम नहीं करता, ठीक है। तो जब ये काम नहीं करता टाइमर तब क्या होता है, उस कंडीशन में बंदा जब इसको दबाए और ये सीलिंग ना करे तो फिर इस मशीन को चेक करना है कि कहीं हमारा एलिमेंट तो शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ शॉर्ट है तो सबसे पहले इसको सही करें, इसको सही करेंगे तो फिर ट्रांसफार्मर आपका नहीं भूखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। और ये सीलिंग मशीन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो बाकी मेरे वीडियोज और भी हैं, उनमें आपको डिटेल मिल जाएगी। आप कर सकते हैं इसको सही, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और कोई मेरी हेल्प हो, मतलब आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी, तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।